संजू, इसको तो आपने पहले वीडियो में देखा होगा। ये मेरे गांव का एक ब्लॉग है, जो नेक्स्ट पार्ट टू जो ब्लॉग मैंने ये डालने के, जो मैंने अभी जो स्टार्टिंग जो वीडियो बनाई थी, ये पार्ट टू या पार्ट थ्री, पार्ट टू होगा इसके बाद की वीडियो। तो हमने थोड़ा सा काम किया, सफाई अभियान चलाया था थोड़ा सा गाँव में, रेन शेल्टर जो है वो साफ किया। तो मेरा भाई संजू मेरे लिए चाय लेके आया, तो हम वहीं पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पंखे के नीचे मैं बहुत कम बैठता हूँ और जो मज़ा जो आता है पीपल के नीचे, मैं जब भी आता हूँ यहाँ चिल मारता हूँ और चाय का मज़ा लेता हूँ। हमारे यहाँ छोटी सी शॉप संजू की, जो मेरे को चाय लेके आया है, और ये हमारी भाभी है जो पशु के लिए जो चारा लेके आए हैं। ऐसी गर्मी भी और मुझे पसीने छूट रहे हैं, आप देख सकते हैं, और ये पशु के लिए चारा लेके आए हैं भाभी। और भाई, और सुना? बढ़िया, मस्त है, एकदम मस्त। और समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, क्यों पहले सोचा कि शुरुआत करते नहीं करते, लेकिन जब देखा मैंने रेन शटर जो है थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है और काफ़ी वहाँ पर मिट्टी वगैरह जो है, काफ़ी वेस्टेज चीज़ें वहाँ डाली हुई थी, तो आज हमने वो सफाई करी है। और उसके बाद थोड़ा सा हमने सोचा कि उन्हें चाय पी जाए, और प्योर दूध की चाय, प्योर दूध, ये कोई पाउडर वाला दूध वैसा नहीं है। गाँव में आता हूँ मैं तो कभी कभार मुझे अटपटा जरूर लगता है कि यार, मतलब थोड़ी आप बोल सकते हैं कि स्मेल जैसी दूध की जो आती है ना, वो आती है। हालांकि प्योर दूध है, और एक दो बार पीने लग गया कि यार नहीं पी जा रहा, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं उन्हें तो आदत पड़ जाती है कि भाई यार कौन पिएगा पाउडर वाली दूध की, चाय की आदत पड़ी हुई है। लेकिन चाय पीने का बड़ा जो है आनंद आता है, बड़ा मैं रिलैक्स फील करता हूँ यहाँ पर आके। और हमारा बिस्सू, जो गति कुत्ते का नाम आपको पहले बताया भी है और वीडियो भी डाली हुई है, बिस्सू, ये देखो भाई साहब रेत में, इनको गर्मी लग रही है, इन्होंने गड्ढा जैसा किया और रेत में आराम से बैठ गया। और हमारे यहाँ पहले जो है ना पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी सप्लाई की, लेकिन यहाँ बहुत ही जो है लंबा चौड़ा टैंक बना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो निर्माण है वो पूरा स्वच्छ विभाग द्वारा किया गया है, और यहाँ पर सारी जो है डिटेल डाली गई है। तो पहले यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी फुट जो है एक जो टैंक है वो यहाँ बनाया गया है। तो चाय पीने का आनंद लेते रहिए आप, आपको पूछ ही सकता हूँ मैं, लेकिन कभी आप लोग मेरे होम टाउन आओ तो मैं जरूर चाहूँगा कि एक बार, जो मेरे जो सब्सक्राइबर, अगर कभी आपका मन करे कि यार हमने भी विलेज ट्रैक करना है और आपके गांव में घूमना है, तो मेरी ट्रैवल एजेंसी जो है वाइल्ड कैंपिंग टूर एंड ट्रैवल के नाम से, वाइल्ड कैंपिंग टूर एंड ट्रैवल, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप मुझे कॉल या फेसबुक में ऐड करने के बाद मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके के विलेज ट्रैक जो एक्सपीरियंस है वो मैं गाँव में कराता हूँ, जैसे खाना बनाना, घास लेने जाना पशुओं के लिए, ये जो सारा एक्सपीरियंस है ना, ये आप ले सकते हैं मेरे साथ, और ये पॉसिबल है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, ट्विटर में। बिशु, तो प्लीज मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कोरोना टाइम जो है चला हुआ, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उठने के लिए, तो अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें, और घर में रहिए जितना हो सके, फैमिली को टाइम दीजिए स्पेंड। और हाँ, वो पाइप के बारे में बताता हूँ जो आपको मैंने, जो आपको टैंक बताया पानी का, वो वाली पाइप देखो, ये बिछी हुई है, यहाँ से जो है पानी की सप्लाई जा रही है, ये वाली पाइप, और ये उस सामने तक, अगर आप मेरी उंगली तक देख पा रहे हैं, इस टैंक के बिल्कुल सामने, वहाँ बिल्कुल सामने वहाँ ये टैंक बना है, यहाँ से पूरे गाँव को, गाँव को इसी जगह से पानी जा रहा है, पंच पिपलू। और मेरे घर का, मेरे घर में जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वो रोड ये आ जाता है नीचे, यहाँ से बिल्कुल डिस्पेंसरी, ये आप जो देख रहे हो ये डिस्पेंसरी है, इसी के नीचे मेरा घर है। हवा चली हुई है, क्योंकि पंखे की हवा खाने का मज़ा नहीं आता है। तो ये था सेकंड पार्ट था उस जो वीडियो के बाद का सेकंड पार्ट था। तो ये बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू।